नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं और बहुत सारे कस्टमर्स के मुझे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपेज, डैम्पनेस या सीलन, आप अपने भाषा में इसको क्या बोलते हैं, उसी के बारे में। सो बेसिकली हम लोगों को बहुत सारे टाइम पे सीपेज का या मॉइस्चर के कारण अंदर ही दीवारों में पेंट खराब होना या पेंट का निकल जाना, पापड़ी बन के निकलना, ये सारे समस्या से हम लोग बहुत टाइम जुड़ते रहते हैं। तो इसके पीछे का कारण और इसको कैसे हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। जनरली सीपेज जो है वो क्यों होता है और कैसे होता है, उसमें पहले फोकस करता हूँ। सीपेज क्यों होता है, मैं आज आपको बताऊँगा 6 कारण जिससे आपके दीवारों पर सीपेज आ सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है क्रैक्स। दूसरा कारण हो सकता है आपके दीवारों में अगर कोई वेजिटेशन या कोई भी पेड़ पल रहा है उसके कारण। तीसरा कारण हो सकता है आपके जो विंडोज़ के जो भी गैप्स है, विंडोज़ और आपके दीवार के बीच में जो भी गैप्स है उसके कारण हो सकता है। चौथा कारण ये हो सकता है कि आपके जो प्लास्टर किया गया है बाहरी दीवारों का, वो प्लास्टर अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। पाँचवा कारण ये हो सकता है कि आपके जो पानी के पाइपलाइंस हैं वो अगर सही ढंग से अगर अलाइन नहीं हुआ है तो उसके कारण भी हो सकता है। और छठवां कारण ये हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल लाइंस है और जो इलेक्ट्रिकल लाइन जहाँ से जा रहा है उसके कारण भी कभी कभी सीपेज आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीपेज का पहला कारण क्रैक्स होता है, अभी मैं आपको बताऊँगा कि क्रैक्स को कैसे ठीक करना है जिसके कारण आपको आगे से सीपेज नहीं आएगा। सबसे पहले क्रैक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें से आपका अगर एयर क्रैक है या कंस्ट्रक्शनल क्रैक है या सेपरेशन क्रैक है, क्या क्रैक है पहले हम लोग को वो डिफाइन हम लोग को वो पता करना है। नॉर्मली हमारा जो एयर क्रैक होता है वो 2 से 5 mm तक का होता है और हमारा जो सेपरेशन क्रैक होता है वो हमारा 5 से 10 mm तक का होता है या उससे भी बड़ा कभी कभी हो सकता है। तो अगर हमारा क्रैक 2 से 5 mm तक का है तो हम लोग यूज़ करेंगे डॉक्टर फिक्सिट का क्रैक एक्स पेस्ट, जो हम लोग एक पट्टी ब्लेड से या कोई भी ब्लेड से हम लोग पहले क्रैक को खोलेंगे, उसके बाद उसके ऊपर ये पेस्ट हम लोग बारीकी से लगाएंगे। अभी हमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि ये पेस्ट हम लोगों को 2 कोट में लगाना है। पहला कोट लगाने के बाद 12 घंटे के बाद दूसरा कोट लगाना है, ताकि वो जो भी क्रैक है उसमें पूरा ये पेस्ट अंदर चला जाए। अब पहले जब हम लोग 2 से 5 mm का क्रैक्स को खोलेंगे, उसके बाद ही हम लोग दूसरा अगर बड़ा वाला कोई भी क्रैक है उसमें हम लोग पहले उसके बाद ही काम करेंगे। अगर आपके दीवारों में 5 mm से बड़ा क्रैक है, 5 mm से 10 mm तक का क्रैक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे डॉक्टर फिक्सिट का श्रिंक फ्री क्रैक एक्स पेस्ट, जो कि एक कोट सिस्टम में यूज़ होता है। और ये पेस्ट इतना अच्छा होता है और ये मक्खन जैसा होता है कि आप आराम से हाथ से भी लगा सकते हैं। तो ये हो गए 2 क्रैक वाले। अभी अगर आपका क्रैक 10 mm से बड़ा है, जो कि जनरली हमारा सेपरेशन क्रैक्स होते हैं, उसमें हमें ये करना है, हमें बनाना पड़ेगा PMM। PMM का फुल फॉर्म होता है पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार। तो पहले हम लोग को एक मोटार बनाना पड़ेगा। मोटार का मतलब हो गया हमारा सैंड और सीमेंट का जो मिक्स होता है उसको मोटार बोला जाता है। तो सैंड और सीमेंट के जो मोटार है उसमें हम मिक्स करेंगे पिडिक्राइट URP, डॉक्टर फिक्सिट का पिडिक्राइट URP, जो एक लैटेक्स बेस्ड कंपाउंड है जिसके बदौलत आपका जो भी मोटार बन रहा है वो मोटार में इलास्टिसिटी अच्छा आएगा और लॉन्गिटिविटी भी अच्छा मिलेगा उसको। तो ये हमें एक रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा, जो रेशियो है 3:1:0.15। सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 3 किलो सैंड यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 kg सीमेंट यूज़ करना पड़ेगा और 150 ग्राम ये URP यूज़ करना पड़ेगा, और जितना आपको चाहिए उतना आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ करके उसको एक मोटार बना सकते हैं। तो जैसे ही ये मोटार रेडी होता है, उससे पहले हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो क्रैक, अगर हमारा क्रैक 10 mm का है तो हमें एक चीज़ मेक श्योर करना है कि हमें वो क्रैक पहले खोलना है। वो क्रैक खोलने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये ग्राइंडिंग मशीन। जो ग्राइंडिंग मशीन जनरली ये हम क्रैक्स खोलने के लिए यूज़ करते हैं, तो इससे ये होगा हम क्रैक
उसी क्रैक को हम एक वी शेप आकार में उसको काटेंगे। वो वी शेप में काटने का मकसद क्या है अगर आप वो जानना चाहेंगे तो उसका मकसद ये है कि वी शेप अगर हम लोग काटेंगे तो उसके बदौलत ही पूरा जो भी माल, जो भी हमारा जो भी पेस्ट है या जो भी माल है वो अंदर तक जाएगा। नहीं तो अगर आप नॉर्मली काट के सीधा काट के रखोगे तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, जहाँ पे क्रैक है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपका जो भी पेस्ट हो, आप अगर पेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, आपका केमिकल नीचे क्रैक तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं वेजिटेशन के ऊपर। जैसे कि हम लोग बहुत सारे इंडिविजुअल घर में या फ्लैट्स में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं बाहरी दीवारों में। तो पहले उसको जिसके कारण बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं पहली बात, दूसरी बात बहुत सारे गैप्स निकल जाते हैं, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग कैसे हटाएंगे आज अभी उसके बारे में बात करते हैं। पहले वेजिटेशन को हमें काट के निकालना है, फिर उसके ऊपर एक वीड किलर एक मेडिसिन मिलता है उसको डालना है, वो डालने के बाद उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर जैसे ही वो वीड किलर अपना काम करेगा, वो पूरा वीड किलर का काम ये होगा कि वो पूरा जो भी पेड़ का जो भी रूट्स रहेंगे उसको वो फेंकेगा। तो एक बार हमारे पास पूरा पेड़ का सारा रूट्स आ गया, उसको फेंक दिए, उसके बाद हमें वहाँ पे जो भी क्रैक्स रहेंगे या जो भी होल्स रहेंगे उसको पहले खोलना है, और उसमें हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वही केमिकल यूज़ करना है। अगर आपका वहाँ पे क्रैक 5 mm से छोटा है तो हम यही क्रैक एक्स पेस्ट यूज़ करेंगे, अगर 5 mm से बड़ा है तो हम श्रिंक फ्री यूज़ करेंगे, अगर नहीं 5 mm से बड़ा 10 mm से बड़ा है तो हम लोग बनाएंगे PMM और उसमें प्लास्टरिंग करेंगे। तो अब जब ये प्लास्टरिंग हो जाता है, प्लास्टरिंग हो जाने के बाद कम से कम हमें 48 आवर्स के लिए एयर क्यूर में छोड़ना है, जिसका मतलब ये है कि हमें उसमें पानी या कोई भी दूसरा केमिकल नहीं डालना है और जस्ट हवा में सूखने के लिए छोड़ देना है। अब आते हैं तीसरा कारण जिससे सीपेज होता है। तीसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है कि हमारा जो प्लास्टरिंग किया गया है बाहरी दीवारों पर, वो प्लास्टरिंग अगर सही ढंग से नहीं किया गया और सही मिश्रण से नहीं किया गया या सही रेशियो में नहीं किया गया तो वो प्लास्टर लूज हो जाएगा और धीरे धीरे गिरना चालू हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो ईट है, जो आपका ब्रिक है, वो वहाँ वो दिखना चालू हो जाएगा, जिसके कारण पानी बहुत आसान से अंदर घुसना चालू होगा। सो उसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने दीवारों में ये एक नाइलन हैमर आता है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके दीवार में लूज प्लास्टर है या नहीं है। तो उसके बाद जैसे आपने टेस्ट किया और आपको लग गया कि एक सर्टेन एरिया में लूज प्लास्टर है और वहाँ से प्लास्टर गिर रहा है, तो उसको आप मार्क करेंगे, उसको मार्क करके आप उसमें से पुराना प्लास्टर जो भी है वो निकालेंगे, निकाल के आप उसको साइड रखेंगे और उसमें पानी से एक बार साफ करेंगे। फिर उसमें आप पहले जैसे हम लोगों ने PMM बनवाया था वैसे ही आप PMM बनाएंगे। अगर आप 3 kg सैंड ले रहे हैं, 1 kg सीमेंट लेंगे, 0.5 150 ग्राम URP लेंगे, तो ये बना के आप एक प्लास्टरिंग मोटार बनाएंगे जिससे आप प्लास्टर करेंगे पहले दीवारों को। तो दीवारों को प्लास्टर करने के बाद हमेशा की तरह फिर से आपको 2 दिन तक कम से कम एयर क्यूरिंग के लिए छोड़ना है। जितना दिन आप एयर क्यूरिंग के लिए छोड़ेंगे वो दीवार उतना ही अच्छा होगा और वो दीवार के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरा कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, जो हमारे विंडो और वॉल के बीच में जो गैप रहते हैं, जो जनरली हम लोग आसानी से उसको छोड़ देते हैं या मतलब उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो जो गैप रहते हैं विंडो और आपके दीवारों के बीच में, उसमें हमें यूज़ करना है सीलेंट, जो कि एक पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट है जिसके कारण पानी कभी भी अंदर नहीं आ सकता है। विंडो जॉइंट्स के बाद हमारा जो पांचवा रीज़न है वो रीज़न हो सकता है आपका जो प्लम्बिंग का पाइपलाइंस है, जिसके कारण आपके घरों में आपके दीवारों में सीपेज या डैम्पनेस आ सकता है। आपका प्लम्बिंग पाइप से क्या मतलब, वो कैसे आपके घरों में जो पाइप आपके बाहरी दीवारों में रहता है
उससे आपके अंदर में कैसे सीपेज आ सकता है वो आपको मैं अब समझाऊंगा। आपके जो अंदर के दीवार है जिसको अटकाने के लिए या लटकाने के लिए हम लोग जो पिन यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो हम लोग ड्रिल करके आपका हमारा पाइप जो है वो लटकाते हैं, उसके कारण कभी कभी सीपेज आ सकता है। दूसरा रीज़न, अगर पाइप कहीं पर टूटा हुआ है जिसके कारण पानी कहीं से लीक हो रहा है। अब पानी का ये सिद्धांत है कि पानी कभी कहीं पे रुकता नहीं है, वो बहते रहता है, जिसके कारण पानी अगर कहीं से पाइप अगर आपका कहीं पे लीकेज है तो वो पाइप से जो पानी बह रहा है वो कहीं ना कहीं पे जा रहा है, जाके कहीं ना कहीं से निकल रहा है। तो वो निकलने का जगह जो है कभी कभी आपके अंदर के दीवार भी हो सकते हैं, तो वो हमें बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जब हम लोग नया घर बना रहे हैं या अगर कोई भी रिपेयर का काम करवा रहे हैं, हमें बहुत ध्यानपूर्वक ये काम करना है कि आपका जो प्लम्बिंग के पाइप्स हैं वो हमेशा ही सेफ एंड सिक्योर तरीके से काम हो रहा है। और जो सबसे लास्ट वाला रीज़न है वो हो सकता है आपका जो इलेक्ट्रिकल पाइप्स है। अब जनरली आपके जो घर में ऊपर के छत हम लोग खुला रखते हैं, या मतलब ऊपर के छत में जो भी पाइप्स हैं वो भी सब खुले ही होते हैं कभी कभी, तो जिनके कारण ऊपर से आपका इलेक्ट्रिकल के पाइप के थ्रू पानी अंदर घुस सकता है, और जिसके साथ साथ ही साथ आपका अंदर का जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं वो भी शॉर्ट हो सकता है और आपके दीवार भी ख़राब हो सकते हैं। तो हमेशा ये एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि आपके जो भी इलेक्ट्रिकल के पाइप्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल लाइन्स जा रहे हैं, उसको हमेशा लास्ट में काम ख़त्म होने के बाद कवर करना बहुत ज़रूरी है। आप या तो उसको टेप लगा के कवर करिए, या उसको आप सीमेंट सैंड से उसको प्लास्टरिंग कर दीजिए, या उसमें आप सीलेंट लगाइए, जो भी करना है, पर उसको कवर करना मत भूलिएगा। अगर वो कवर नहीं हुआ तो पानी अंदर घुसने का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे ख़तरनाक रीज़न वो भी हो सकता है, जिसके कारण आपके अंदर का पूरा बिजली का लाइन और जो भी आपके जो भी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो जो फिफ्थ रीज़न है वो है इलेक्ट्रिकल ओपनिंग्स। इलेक्ट्रिकल ओपनिंग्स भले ही मैंने लास्ट रीज़न बताया है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ओपनिंग से अगर पानी अंदर चला गया, उसका मतलब आपके हर स्विच बोर्ड, स्विच बॉक्सेस या आपके जो भी अप्लायंसेस है उसके अंदर भी पानी जाने का बहुत बहुत बड़ा चांसेस है, जिसके चलते आपका अप्लायंसेस भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल ओपनिंग्स है, जहाँ से भी आपके इलेक्ट्रिकल पाइप्स या इलेक्ट्रिकल लाइन्स अंदर आ रहे हैं, वो ओपनिंग्स हमेशा आप सीलेंट से कवर कर सकते हैं, टेप से कवर कर सकते हैं, या आप उसके ऊपर प्लास्टर करके उसको कम्प्लीटली कवर भी कर सकते हैं, या उसके ऊपर एक छोटा सा शेड जैसा कुछ बना के उसको रख सकते हैं, अगर आपको उसको पूरा कवर नहीं करना है तो। तो अभी तक मैंने आपसे जो बात किया है वो मैंने आपके घर में दीवारों में सीपेज क्यों आ रहा है, सीलन क्यों आ रहा है, या डैम्पनेस क्यों आ रहा है, उसके बारे में बात किया है। अभी उसको मैंने आपको ये भी समझाया कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी मैंने आपको समझाया। अब आगे आपको मैं बताऊंगा कि अगर उसके ऊपर कौन सी कोटिंग ऐसा लगा सकते हैं जिसके चलते आपके घर में सीपेज नहीं आएगा। सो हम सबको पता है डॉक्टर फिक्सिट एक बहुत बड़ी ब्रांड है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें से डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट वाटरप्रूफिंग कोट है जो हम हमारे एक्सटीरियर दीवारों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक टू कोट सिस्टम है दोस्तों, जिसमें आपको एक बेस कोट आएगा और एक टॉप कोट आएगा। तो ये जो भी बेस कोट रहता है दोस्तों, बेस कोट में ही आपका वाटरप्रूफिंग कोट होता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है रेनकोट वाटरप्रूफिंग कोट, सो दिस विल बी द, ये आपका बेस कोट रहेगा, और रेनकोट क्लासिक करके जो है वो आपका टॉप कोट रहेगा। सो ये लगाने से पहले, आपके दीवारों में, बाहरी दीवारों में लगाने से पहले हमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ये लगाना है। तो वो दो तीन चीज़ें आपके क्रैक्स हैं, जो भी पहले क्रैक्स हैं उसको पहले हमें ठीक करना है, उसको फिल करना है। उसके बाद आपके अगर लूज़ प्लास्टर्स कुछ भी हैं उसको पहले ठीक करना है, वो लगाना है। अगर आपके घर में दीवारों में वेजिटेशन, कुछ भी प्लांट उग रहा है या कुछ भी है, उसको पहले हटाना है, उसके बाद ही कोटिंग लगानी है। अगर आपके दीवारों में या अगर आपके प्लम्बिंग पाइपलाइंस में कुछ प्रॉब्लम है, पहले उसको ठीक करना है। आपके अगर इलेक्ट्रिकल पाइपलाइंस में कुछ प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक करना है। या तो अगर आपके कहीं पे भी ऐसा आपको लगता है कि जिसके चलते ये कोटिंग ख़राब हो सकती है, आपको पहले उसको ठीक करना है, उसके ऊपर फिर कोटिंग लगाना है। सो कोटिंग करने से पहले
मैं फिर से ये चीज़ दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि कोटिंग करने से पहले हमें ये मेंटेन ये रखना है कि वो आपका जो भी दीवार है वो पूरा साफ रहना और एक SSD कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी है। SSD कंडीशन का मतलब ये है कि सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन, सो आपका जो भी सरफेस है वो ना तो बहुत ज़्यादा वेट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए, ना तो ज़्यादा सूखा होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के ही उसके ऊपर कोटिंग लगानी है। अब कोटिंग लगाने का बहुत आसान तरीका है ये, एक आपको आप जैसे नॉर्मली पेंटिंग करते हैं वैसे ही ये कोटिंग लगाना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें आप थोड़ा सा भी पानी मिक्स नहीं करेंगे, ये आपको बिना पानी मिक्स करे हुए लगाना है। तो सबसे पहले आपका जो बेस कोट है WPC, जिसको हम बोलते हैं WPC वाटरप्रूफिंग कोट, इसको पहले आप एक कोट पूरा घर में लगाएंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर टॉप कोट रेनकोट क्लासिक टॉप कोट जो है वो लगाएंगे। अब अगर इसका कवरेज की बात करूं मैं तो आपको ये WPC 1 लीटर तकरीबन आपको 40 स्क्वायर फीट तक देगा और आपको रेनकोट क्लासिक 70 स्क्वायर फीट तक देगा अगर आप 1 लीटर लेके आ रहे हैं। तो अगर आपका घर रफली 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आपको ये WPC तकरीबन 50 से 60 लीटर लगेगा, आपका जो बाहरी दीवार का कैसा फिनिश है उसके ऊपर। तो 50 लीटर मिनिमम लगना चाहिए, 50 से 60 लीटर तक लगेगा अगर आपका और रेनकोट क्लासिक आपको कम से कम 28 से 35 लीटर तक लगेगा। तो आपको रेनकोट क्लासिक में एक ऑप्शन, आपको कलर्स के भी ऑप्शन मिलेंगे आपके, अगर आपको घर में कुछ अलग कलर लगाना है वाइट के अलावा तो आपको आपके पास वो भी ऑप्शन रहेगा, जो आप इसमें टिंट करके अलग अलग कलर भी लगा सकते हैं। डॉक्टर फिक्सिट का जो शेड कार्ड है उसमें आपको कुछ 200 से 300 शेड्स मिलेंगे जिसमें से आप सेलेक्ट करके अपना कलर भी लगा सकते हैं। अभी आपको ये रेनकोट क्लासिक 3 डिफरेंट बेस में मिलेंगे, आपका जो आप अगर दूसरा कलर आप अगर कलर सेलेक्ट कर रहे हैं तो कलर के हिसाब से आपको ये 3 डिफरेंट बेस में मिलेंगे। तो अगर आपका लाइट कलर है आपको लाइट बेस मिलेगा, अगर आपका मीडियम कलर है मीडियम टोन बेस मिलेगा, और अगर आपका डार्क कलर है तो डार्क बेस मिलेगा। तो आप अपने कलर के हिसाब से आप अपना बेस भी चूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सटीरियर आपका जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार में रिपेयर कैसे करना है और उसमें कोटिंग कौन सी कोटिंग लगाएंगे तो आपका दीवार वाटरप्रूफ हो जाएगा, उसके बारे में आज हम लोग बात किए हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी सवाल है वाटरप्रूफिंग के रिलेटेड, कुछ भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं और हम उस सवाल के रिलेटेड दूसरा वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका पेंटर को।